हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबके फेवरेट रेसिपी राजमा। तो राजमा हम किस तरीके से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप राजमा लिया हुआ था और उसे मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और सॉल्ट के साथ इसे प्रेशर कुक करके रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल रेडी है राजमा अभी हमारा। और हम लेंगे 2 बड़ा टेबलस्पून ऑयल, 2 बड़ा टेबलस्पून बारीक कटा हरा धनिया, 2 टमाटर उसका मैंने प्यूरे बना के रखा हुआ है, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/3 टीस्पून हम लेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 हरी मिर्ची लिया है मैंने स्लिट करके रखा है, 1 प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा इंच हम लेंगे अदरक का टुकड़ा, और लेंगे 1 तेज़पत्ता और 5 से 6 कली हम लेंगे लहसुन की। एक ब्लेंडिंग जार में सबसे पहले हम ले लेते हैं प्याज, अदरक और लहसुन। इन तीनों चीज़ को हमें अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेना है। इसमें हम कोई भी पानी ऐड नहीं करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर ली है और इसके अंदर हम ले लेते हैं ऑयल। ऑयल गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं तेज पत्ता, और जो हमने यहाँ पे मसाला पीस के रखा हुआ था अदरक लहसुन और प्याज का, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए और इसका सारा जो कच्चापन है चला जाए, तब तक हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, इसका सारा कच्चापन। टमाटर का प्यूरी भी हमारा अच्छी तरीके से इसमें पक चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर, और साथ में जीरा पाउडर। 2 मिनट के लिए इन सारे सूखे मसालों को आप अच्छे से भून लें। मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, अब इसके अंदर मैं राजमा ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लें अच्छे से, और फ्लेम को आप इस स्टेज पे मीडियम पे कर दीजिए, और जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके अब आप इसमें सॉल्ट भी चेक करके अपने टेस्ट अनुसार आप इसमें डाल दीजिए। हमने राजमा को भी बॉयल करते टाइम हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए आप सॉल्ट ज़रूर चेक करके इसमें डालिए। मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्ची काटी थी ये ऐड कर देंगे। 4 से 5 मिनट हम इस ग्रेवी के साथ राजमा को और हम कुक करेंगे। लास्ट में हम थोड़ी सी हरी धनिया इसमें ऐड कर देंगे। अब हमारा राजमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसे हम गर्मा गर्म अब सर्व करेंगे। गर्मा गर्म आप राजमा को सर्व करें स्टीम राइस के साथ, या फिर आप नान पराठा किसी के भी साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।